और इसी बीच हम आपको खबर बता रहे हैं, दरअसल छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हरेली पर्व से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस योजना के शुभारंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के सभी जिलों के गौठानों में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्रीगण, संसद सचिव, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होकर इस योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। कुछ ही देर में यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास में हरेली पूजा के साथ गौधन न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। हरेली पूजा के साथ गौधन न्याय योजना का आपके शुभारंभ। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किरण नायक जी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। कैसे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साथ ही कुछ प्रस्तुतियां भी इस कार्यक्रम में होंगी। लोक कलाकार जो है आ चुके हैं, कुछ ही देर में इनकी प्रस्तुति भी होगी। तमाम मंत्रीगण हैं, विधायक हैं और आज से गौधन न्याय योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले क्या नजारा है, क्या तैयारियां हैं, ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेता, विधायक, मंत्री सभी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। लोक कलाकारों के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले लोक कलाकारों के साथ में कुछ तस्वीरें भी खिंचाते हुए नेता नजर आ रहे हैं। क्योंकि हरेली पूजा के साथ साथ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। तो विधिवत शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। राज्य के सभी जिलों के गौठानों में यह कार्यक्रम रखा गया है। छत्तीसगढ़ में हरेली तो वैसे भी किसानों का पहला पर्व माना जाता है और पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारी त्योहारों की विरासत और छत्तीसगढ़ के समृद्ध कला और जिस तरीके से हमारा किसानों से धरती से जुड़ करके करने का कार्यक्रम होता है, उन्होंने संपूर्ण प्रदेश में निर्देश दिए थे और प्रशासन के स्तर पर भी हम लोगों ने हरेली मनाया था। सारे प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में गए थे और गौठान योजना की जब हम लोगों ने सूत्रकात किया था, आज बहुत सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे सारे हिंदुस्तान में ये महती योजना की शुरुआत हो रही है।
हम गांव में गोबर खरीदने जा रहे हैं और 2 रुपया किलो हर किलो गोबर का हम कीमत देंगे। गौठान समितियां इसको खरीदेंगी और उसके बाद गौठान में इसका वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, उसके बाद इसमें कई प्रकार के हम लोग बायो प्रोडक्ट बनाएंगे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा कदम है। 4-5 बातें सीधे इससे, सबसे पहले तो गोमाता गोधन की रक्षा होगी नंबर एक, दूसरा किसानों से सीधा जोड़ा जाएगा, नंबर दो वर्मी कंपोस्ट बनाकर ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, नंबर तीन गांव के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और जो हमारे किसान भाई हैं उसको सीधा रोजगार से इससे जोड़ना चाहते हैं, नंबर चार पांचवी बात ये है कि जब आत्मनिर्भर हमारा गांव बनेगा तो इससे लाभ ये होगा कि फसलों की चराई बंद होगी, गोधन की जब रक्षा होगी, और छठवीं बात ये है कि हमारे चरवाहा जो हमेशा से वंचित वर्ग हुआ करता था उसको सीधा जोड़ने का प्रयास हुआ है, तो चरवाहा को गोठान से सब सीधा जोड़ेंगे, जब सीधा जोड़ेंगे तो उनको भी बहुत आमदनी होगी, उसको स्वावलंबन की दिशा में उसको आय होगी। और उसके अलावा भी इस पूरी योजना में हमारी छत्तीसगढ़ के गांव की जो आत्मनिर्भरता है उसको जोड़ करके देख हम लोग देख रहे हैं, बापू का जो सपना था आत्मनिर्भर भारत का वो गांवों में बसा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने जिस योजना की शुरुआत की है गोधन न्याय योजना, मैं समझता हूँ गरीबों के लिए इससे बड़ा न्याय कुछ नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि जिसके पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, लैंडलेस जो किसान है वो भी अगर गोबर कलेक्ट करके या उनके घर में 2 या 3 गैया है उसका गोबर अगर गोठान में ला करके बेचता है तो आप अंदाज लगाइए को 2,000-2,500 से लेकर के 5,000-6,000 रुपया प्रति माह अर्जित करने का अधिकारी हो जाएगा। तो गरीबों के लिए भी इससे बड़ी योजना की कल्पना आप नहीं कर सकते। और आज हरेली के पर्व पे श्रावण का सोमवार है, मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजना का शुरुआत अभी हम उनके हाथों करने जा रहे हैं और संपूर्ण प्रदेश में सभी प्रभारी मंत्रियों को, सभी संसदीय सचिवों को जिला अधिकृत करके ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं ऐसा समझता हूँ कि किसानों के लिए इससे बड़ा कदम क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए हम लोगों ने पहले धान खरीदी 2,500 रुपया क्विंटल दिया, अपने आप में छत्तीसगढ़ के किसानों के आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम था। हमने किसानों के लगभग 10,000 करोड़ के कर्ज माफ किए, ये उससे भी बड़ा कदम था। हमने सिंचाई टैक्स 260 करोड़ किसानों के छूट दी, ये उससे भी बड़ा कदम था। लेकिन ये जो गोधन न्याय योजना है, राजीव गांधी न्याय योजना के बाद डायरेक्ट किसानों को, गरीबों को उनके खातों में जो राशि जाएगी, ये अपने आप में एक बहुत महती योजना है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस योजना से पूरा छत्तीसगढ़ के गांव लाभान्वित होने वाले हैं। अब आपने किसानों की बात कही तो एक और बात है, हमने लगातार केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा धान का उत्पादन बढ़ा है, हमारी खरीदी बढ़ी है, चावल का उत्पादन बढ़ा है। आदरणीय खाद्य मंत्री जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वहाँ दिल्ली से हम लोगों ने चावल और धान पे आधारित एथेनॉल बनाने के प्लांट के लिए अनुमति मांगी है, केवल अनुमति, पैसे की भी मांग हम नहीं कर रहे हैं, और वो अनुमति दे देंगे तो आज छत्तीसगढ़ में लगभग पिछले साल का 9.5 लाख मीट्रिक टन, इस साल का 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल हमारे पास जो शेष है हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। लेकिन पता नहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ इतना भेदभाव और उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। केवल परमिशन की हम बात कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता न चिट्ठी लिख सकते, न ट्वीट कर सकते, न मांग कर सकते। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में अगर छत्तीसगढ़ की सरकार, आदरणीय खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी ने केंद्र सरकार से मांग की कि हमको चावल पे आधारित एथेनॉल बनाने का अगर अनुमति दिया जाए, केवल अनुमति मांग रहे हैं, इसमें भी उनको आपत्ति है। इससे छत्तीसगढ़ के अभी हम लोग किसानों को जो धान खरीद रहे हैं, आने वाले समय में इसको और हम व्यापक रूप से खरीद सकते हैं। तो ये सारी हमारी जो योजनाएं हैं, लेकिन ये जो गोधन न्याय योजना है वो सीधा गरीबों से, वंचित वर्ग से जुड़ा हुआ है और किसानों का सीधा लाभ करने वाली योजना है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ के आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी में सबसे मजबूत ताकत बनने वाली है ये योजना। Thank you.
आज हरेली पर्व है सर, और गौधन न्याय योजना का भी शुभारंभ। छत्तीसगढ़ियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि हम अपने त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, और इस मौसम का ये पहला त्यौहार है, इस वर्ष का पहला त्यौहार हरेली, जिसमें हम अपने कृषि औजार का पूजा करते हैं, गौ देवता का पूजा करते हैं, गौ माता का पूजा करते हैं, और अपने रीति रिवाज में जो भी हमारा गांव का कल्चर में गीत है, संगीत है, गिड़ी नाचा है, गुल्ली डंडा है, खो खो कबड्डी है, ये सभी का आयोजन करके अपने खुशी का इजहार करते हैं। आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए, यहाँ के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक बड़ा योजना का शुरुआत करने जा रहे हैं, गोधन योजना का, जिसमें जो पशुपालक हैं उनको अतिरिक्त आमदनी होगा, गोबर बेच करके लोग पैसा कमा पाएंगे, और इस तरह का जो योजना है मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहां किसानों के लिए, गौपालकों के लिए इतना अच्छा योजना बना करके उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की कार्य योजना तैयार की है, और उसमें आज से लागू होने जा रहा है। तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को, हमारे किसान भाइयों को, और छत्तीसगढ़ के माताएं बहनों को, सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हो गया सर, मंत्रियों का हो गया। और हो गया मंत्री, हो गया ठीक है, पिलर वो भर लेगा। हो गया सर, आप लोग आ गए सर। सर हरेली पर्व है, गौधन न्याय योजना का। सबसे पहले तो हरेली पर्व की सब बोला गाड़ो गाड़ा बधाई देवत हो, और आज गौधन न्याय योजना के शुरुआत हुआ थे मुख्यमंत्री के निवास में, उद्घाटन कर रहे थे। बहुत बड़ी योजना है, पूरे प्रदेश के किसान मन, गरीब मन बहुत अब्बड़ खुश है कृषि योजना से,
और सब ला बहुत फायदा मिली। जब क्या बोला था ना कि प्रधानमंत्री ये दिया थे वो दिया थे, अगर ये योजना जब चालू है हो गए चालू तो गरीब मन अब्बड़ बहुत अब्बड़ फायदा हुई गरीब मन ला। एक सेती बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी ला बधाई, और योजना की हमारे सबकी जवाबदारी है कि योजना ला ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाएं, ज्यादा से अच्छा काम करके सब ला फायदा मिले। किसानों के लिए, किसानों को भी बहुत फायदा मिले। किसानों के लिए तो वैसे भी मुख्यमंत्री जब से बने तब से ज्यादा चिंता किसानों की, सबसे ज्यादा चिंता, और किसान मन अब्बड़ खुश है हमारे प्रदेश के, पूरे देश में एक हमारे प्रदेश है छत्तीसगढ़ जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने, एक सेती यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई ला परेशानी नहीं है। आप देखना आर्थिक जो चला सब पूरे देश में वहां से भी हमारे ऊपर गए, ऊपर चला था सब काम धाम व्यापार सब बढ़िया चला थे। एक अर्थ से मुख्यमंत्री से बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ बोलो ठीक बोलो, बोला हिंदी बोलो छत्तीसगढ़ बोलो ठीक ऐसा नहीं। गोधन न्याय योजना आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास में इसका शुरुआत हो रही है, इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को भी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बड़ी योजना है जिसमें प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, जो छोटे मोटे किसान हैं दो दो गाय दो दो भैंसी रखते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और आज हरेली त्यौहार है, हरेली की भी बहुत बहुत पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, क्या हाल है सर? आज हरेली पर्व है। जी हाँ, आज हरेली का पर्व है जो बेहद परंपरागत त्योहार है हम लोगों का। इस त्योहार को बड़े उत्साह से हम लोग मनाते हैं, और आज से मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी जो उनकी योजना है, जो पूरे भारत में अपने आप में अनूठी योजना है और पूरे भारत में ये पहले क्रमांक पे आती है, जिसमें गोबर खरीदी की जाएगी और ग्रामीण जीवन का आर्थिक स्तर और कैसे रोजगार के नए अवसर, इन सारी संभावनाओं को लेकर के काम करने का अद्वितीय काम प्रारंभ किया है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। और आने वाले समय में जो उनकी परिकल्पना है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिले, ग्रामीण अंचल में आर्थिक विकास हो, उसमें ये गोबर की योजना जो आज हरेली के दिन से शुभारंभ जिसका हो रहा है, इसमें काफी मदद मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, पूरा ग्राम्य जीवन इससे प्रभावित होने वाला है। और जिस तरह से मेरे से तमाम लोगों की बात हो रही है, लोग अपनी शुभकामना दे रहे हैं, भूपेश बघेल जी को अपनी शुभकामना देने के साथ साथ अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में हर्ष का वातावरण है। तो हम सभी लोगों की बहुत सारी शुभकामना और इस बात के लिए कटिबद्ध हैं हम लोग। जैसे मैं ग्रामोद्योग का अध्यक्ष हूँ तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं ग्रामीण अंचल के विकास की जो सर्वांगीण कल्पना, सर्वांगीण विकास की परिकल्पना आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया है, उसको सार्थक करने की दिशा में, उसको साकार करने की दिशा में अपनी महती भूमिका निभाऊं, क्योंकि वो जो सपना है उनका, वो सपना अनूठा है कि गांव में कम से कम रोजगार के अवसर मिले और उसके साथ में गांव का ग्रामीण जीवन ऐसा हो जिसमें अर्थव्यवस्था का उनको पूरा लाभ मिल सके इस गोबर योजना का। देखिए, किसानों के लिए जैसे ही भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने किसानों की कर्ज की माफी किया, 9,750 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज की माफी किया। पूरे भारत में ये अकेला प्रदेश है जहां पर हम 2500 रुपए में धान खरीदी कर रहे हैं, और उसका लाभ यह हुआ कि पहली किस्त के रूप में राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त के रूप में हमने 1500 रुपए दिया है, दूसरी किस्त हम अगस्त में देने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कुल मिला के ये है कि गांव में किसानों का जीवन स्तर मजबूत हो और उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, क्योंकि गांव में जब जीवन स्तर सुधरा तो उसका सुपरिणाम ये हुआ कि पूरे बाजार में हरियाली दिखी। मैं आपको अगर उदाहरण देना चाहूं कि जयपुर के बाद में सबसे पहला स्थान था रायपुर का, जहां 27,000 मोटरसाइकिल की बिक्री अकेले जून के महीने में हुई। जयपुर के बाद में ये अकेला रायपुर है जहां पर 3,000 ट्रैक्टर की खरीदी एक महीने में छत्तीसगढ़ में हुई। और उसके पीछे कारण ये है कि जब किसानों के पास पैसा आया तो वो पैसा बाजार में आया, जब सरप्लस पैसा रहा किसान का तो वो बाजार में आया, और पूरे भारत में आपको मंदी का दौर दिखाई देगा,
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कोई मंदी नहीं है, बाजार में हरियाली है। और अगर ये दुष्ट कोरोना नहीं आ गया रहता तो आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का कैसा जबरदस्त विकास होता आज कई मामलों में। जैसे तेंदुपत्ते में हम 2500 से बढ़ा करके 4000 रुपए तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। हम 17 रुपए जो महुआ में मिला करता था आदिवासी भाइयों को, उसको बढ़ा करके 30 रुपए दे रहे हैं। तो जो लंबी चौड़ी योजना गांव के विकास को लेकर के, क्योंकि गांव का विकास होगा तो शहरों का विकास होगा। इंडस्ट्री में आपको हरियाली इसलिए दिख रही है क्योंकि गांव के लोग खुशहाल होकर के काम करने आ रहे हैं। तो एक सर्वांगीण विकास की परिकल्पना जो भूपेश बघेल जी ने देखी है उसको साकार करने की दिशा में शासन प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है। और ये अनूठा अभिनव प्रयास जो उन्होंने किया है पूरे हिंदुस्तान में, ये इकलौता है जिसका सुपरिणाम हम लोगों को सड़कों पर दिखाई दे रहा है। थैंक यू। तो आप किसी को बुला के पकड़वा दो। हरेली तिहार के जम्मो प्रदेशवासी भाई बहनी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवा था। और आप मन पर आज गोधन न्याय योजना के जिन शुरुआत ला हमार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करत है, कृषि मंत्री जी करत है, तेन बहुत ही भविष्य में आंदोलनकारी योजना हवे। ये चीज ला आप मन ला समझे लागे कोनो कहीं का है। यदि आपके घर के गरुआ के फिक्र हमार मुख्यमंत्री जी करत है तो एमा ये चीज देखाओ कि गरुआ मन के सकला भी हो ही। 2 रुपया किलो में ऊपर गोबर खरी थी, एक दिन के गोबर यदि 10 किलो भी हो थे एक गाय के पीछू तो 20 रुपया एक गाय के पीछू गोबर से कमाऊँ। वो गोबर जब गौठान में जाही तो गौठान में जिन वर्मी कंपोस्ट बनी तिन वर्मी कंपोस्ट ला 8 रुपये किलो में सरकार फिर खरीदी। और ये वर्मी कंपोस्ट से आपन के खेती के सुधार होई, जिन जहरीला केमिकल रसायन लगाल करके अभी तक धान दाल तिलहन जिन भी उगावत रहे हो तेमा कहूँ न कहूँ स्वास्थ्य के नुकसान हुआ तरी से। और ये योजना के माध्यम से कई चीज फायदा होने वाला है। वर्मी कंपोस्ट से जब खेती होई तो ऑर्गेनिक खेती होई, और ऑर्गेनिक खेती से जिन आमदनी आप मन के होही तेन तो अलग है पर पूरा प्रदेश के स्वास्थ्य सुधरी और हमार छत्तीसगढ़ के एक नवा भविष्य बनी, हमार लड़का मन पर एक नवा भविष्य बनी कि पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बनी। और पूरा विश्व में एकमात्र ये राज्य है जहाँ गांव गाय के गोबर खरीदे जाते तो एकर पीछू जिन भाव होवे कि हमार गौ वंश के संरक्षण हुआ, जिन सड़क में निकला त्री से गाय गरुआ है जेकर सकला हुआ। और एकर माध्यम से जिन छत्तीसगढ़ सरकार के नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी जिन छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी ये योजना ला और दूसरा कदम में आगे बढ़ाए के दिशा में सरकार है प्रयास करी से एकर बन जबका सरकार के धन्यवाद दे जाए तिन कम हबे। मैं पूरा माननीय भूपेश बघेल जी के पूरा मंत्रिमंडल ला और पूरा सरकार के सबो भाई महिनी मन ला बधाई देवा था अतिक सुखर और अतिक सुंदर योजना ला लाने से। एकर माध्यम से हमार गांव गरीब और किसान के उन्नति के दिशा में प्रयास हुआ थे जेकर भर में सब ला बहुत बहुत बधाई देवा था। जय जोहार। सबसे पहली हरेली तिहार जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के पहली तिहार है आज से शुरुआत होते हो कर लिए पूरा प्रदेश के जनता ला बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। और आज ऐसे लागत है छत्तीसगढ़ में हमारे ग्राम स्वराज के सपना पूरा हुआ है। महात्मा गांधी जी जो सपना देखे रही थे हमारे छत्तीसगढ़ के जो
पुराना कमैया मन है, चंद्रलाल चंद्राकर जी, खूबचंद बघेल जी, मिनी माता जी, ऐसे हमारे जो छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए जो सपना देखे रही ने, आज वो सपना पूरा हुआ थे। ऐसे दिखा थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़िया संस्कृति ले आगे बढ़ाए गए और छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के लिए जो काम करत है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसे देखे बर जात है कि हमारे छत्तीसगढ़ विकास के रास्ता में आगे बढ़ते और किसान मन के सबसे बड़े काम आज किसान मन का सम्मान दे के काम जो करते तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। जय जोहार। हरेली तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। हमर सरकार के फैसला गांधी जी के ग्राम सुराज के सपना ला साकार करने वाला है। हमन हा गोधन न्याय योजना की शुरुआत करा था। देश में ये पहला योजना है कि सरकार गोबर खरीदे गया है। ये गोबरे भर नहीं खरीदन बल्कि गांव के अर्थव्यवस्था सुधारना है। ओमें आप सबके योगदान, आपके सबके भागीदारी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय जोहार। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 27 जून से 24 जुलाई 2020। आपदा में ही परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी, अस्थाई गर्भ निरोधक छाया एवं अंतरा को अपनाए, सभी शासकीय अस्पतालों में निशुल्क परिवार कल्याण के साधन जैसे निरोध, मौखिक गोली, इंजेक्शन, कॉपर टी की सुविधा उपलब्ध है। कोविड 19 महामारी के दौरान स्थाई साधन पुरुष एवं महिला नसबंदी में प्रतिबंध होने की स्थिति में अपना पंजीयन निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में कराए। अधिक जानकारी के लिए अपने निकट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य केंद्र अथवा टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रसारित। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय। Yeah.
इधर कहीं डाल कर सुन ना मनीष यहाँ डाल चलो यार लाइट करना है।
नागर में नागर में
ब्लैक वाले फोन को एकदम झटकर बढ़िया चल रही है, तैयार लोग आए हैं देने के लिए।
सामने सामने जो सामने तराजू भी दिखता है अच्छा मतवारी घरों तक ला है के पीछे तू मतवारी ला है नहीं भैया ये नीचे के मतवारी तक ला है के मतवारी में गोबर मतवारी गोबर मतवारी Thank you.
आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ में नवा बच्चर के पहली तिहार अला गांव गांव में सब किसान मन मजदूर साथी मन सब मिलजुल के मनाते। जी हाँ, गौधन के पूजा होते, वहीं हमार कृषि यंत्र मन के भी पूजा होते, किला और बोबरा चढ़ाए जाते। राउत पार्टिया मन है घर घर जाके नीम के डारा खोसते, मवेशी मन ला लोंदा खवाते, उमें कुछ जड़ी बूटी भी रहते ताकि कोई प्रकार की बीमारी हमार पशुधन ला मत होए। साथ ही नीम जिनके जेकर धुआं से जते कीटाणु है तेकर नाश होते, और ओकर सेती प्रत्येक घर में गोर्रा में
नीम के डारा खोचे जाते। ये हमार परंपरा छत्तीसगढ़ के प्रकृति के साथ साथ ओकर जतेक भी हमार कृषि यंत्र है, पशुधन है, ओकर पूजा के साथ साथ शुद्धता के भी ध्यान रखे गए है। ते पहले तिहार के सबो छत्तीसगढ़वासी मल्ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज छत्तीसगढ़ में ये पहली सरकार जिन्हा गोधन न्याय योजना की शुरुआत आज करीस, ये गोधन न्याय योजना जमें प्रत्येक गांव में गौठान बनाना है और गौठान समिति भी बनी, स्व सहायता समूह भी रही और उकर माध्यम से प्रति किलो 2 रुपया के हिसाब से गोबर खरीदे जाही और उकर गोबर से जतेक भी वस्तु बनते थे का निर्माण भी किए जाही, जिसमें प्रमुख रूप से वर्मी खाद जिला 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से शासन खरीद ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला सुधारे के दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना जहां गोबर खरीदे से लोगन मन के आमदनी बढ़ी, उन्हें चरी चरागन खुलम होत रही से तीनों बंद हुई, फसल हम बरसात के फसल नहीं बचा पाते रहें, अब हम 2 फसल और 3 फसल भी ले सकते हैं, सड़क में जिन एक्सीडेंट होत रही दुर्घटना होत रही से ओकरों से बचत हुई और साथ ही हमारे कृषि के उर्वर जिन जमीन है भुइयां है हमार तेकर उर्वरा शक्ति बढ़ी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग कम हुई, ओकर से हमार जिन अनाज है फल है सब्जी है ये शुद्ध होगी तो बीमारी भी कम होगी। तो एक कार्य से अनेक दिशा हमन छुआ थन, हर ऐसे ये कृषि गोबर खरीदे से बहु आयामी हमारे कार्य होगी, एक काम करे से बहुत अकन बात सधी और अगर लाभ पूरा हमारे छत्तीसगढ़ ला मिली, छत्तीसगढ़ के किसान छत्तीसगढ़ के मजदूर और वो व्यक्ति जेकर कर जमीन भी नहीं है जेकर आय के कोई स्रोत नहीं है, यदि चाटक भी गरबा है तो कर 1,500 से 2,000 रुपया के हर महीना वो गोबर बेच सका थे। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के सभी जिलों में गौठानों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बता दें आपको भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया, कई मंत्री विधायक और नेता भी मौजूद हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज से गौधन न्याय योजना का शुभारंभ हो चुका है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। श्री भूपेश बघेल ने विधिवत आगाज किया इस कार्यक्रम का। राज्य के सभी जिलों के गौठानों में कार्यक्रम रखे गए हैं। हरेली पूजा के साथ गौधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है और इस मौके पर कई मंत्री विधायक नेता मौजूद हैं। तस्वीरें आपको रायपुर की दिखा रहे हैं। राज्य के सभी जिले के गौठानों में कार्यक्रम रखा गया है। ये तस्वीरें रायपुर की हैं जहां पर भूपेश बघेल मौजूद है। हरेली पूजा के साथ गौधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। कई मंत्री विधायक और नेता मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और गौधन न्याय योजना का शुभारंभ हो चुका है। आज से गौधन न्याय योजना का शुभारंभ हो गया है।
अब आपको सीधे छत्तीसगढ़ रायपुर लिए चलते हैं, जहां स्वराज एक्सप्रेस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। ठीक है नहीं
कौन रोक रहा हूँ? डीपीआर वाले कागज अंदर आके पूरा व्यवस्था देखना है। क्वार्टर वाले सब लोग देना है उमड़ी हल गमछा बाकी सब अपन अपन जगह में बैठ लो भाई। बढ़िया जन है गौठान है गौठान के छत्तीसगढ़ मातारी के अचरा के छैया माँ जन है आप बैठ के जन है कार्यक्रम के आनंद लो। और बस हमारे बीच में जन है मंच में जन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहुंचा थे मुख्यमंत्री की पहुंचा थे
कैमरा थटा देते अरे कैमरा वाले थटा
अरे यार कैमरा हाथ में खींचो। अरे यार वो भाई हटना, ब्लैक हटना यार, क्या समझ रहे हैं। Para un
आपके अभिनंदन है देवे तरिया के जय जोहार। और शिव कुमार डहरिया जी भी पहुंच गए हैं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी आ गए हैं। हरेली में गोधन विहार स्वराज एक्सप्रेस लघु राम डॉट कॉम होती है आयोजित।
मचमच गेरी मजबो जी गोधन न्याय योजना संघ नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो जी। तो ऐसा नवा छत्तीसगढ़ ला गढ़े बर आज हमन सब जिन है इमे जुड़ियाए हन, हरेली तिहार मनाए बर जुड़ियाए हन, गोधन तिहार मनाए बर जुड़ियाए हन। तो ये तिहार के शुरुआत जिन है स्वागत से करसन और सबले पहली जिन है स्वागत बर ठुमरी ले आओ भैया। हाँ नमित जैन जी जिन है मुख्यमंत्री जी हमारे माई को होने के जिन्हें स्वागत करिए ठुमरी पहना के। ये ठुमरी के जिन्हें बड़ा महत्व है, ताली आपको जिन्हें बजा रहा हूँ ठोकर रहा हूँ जिन्हें कहे पहाड़िया मन के जिन्हें सिर्फ आप देखो जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति। अब जिन्हें मैं हाँ मनोज सिंह बघेल जी बुलाता हूँ हल से स्वागत करी मुख्यमंत्री जी के और माई पहुना के। हेलो मनोज सिंह बघेल जी हल से स्वागत करी। हेलो हेलो गीता दीदी हमार गमछा लेके आई हमार माई पहुना के स्वागत पर। गीता साहू सरपंच बिहार के सरपंच गीता साहू गमछा पहना के हमारे मुखिया के स्वागत करिए। देवेंद्र मिश्र जी का मैं आमंत्रित कर रहा हूँ घुमरी पहना के हमारे आज के पगड़ी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के स्वागत करिए। देवेंद्र मिश्र जी घुमरी पहना के हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के मनोज सिंह बघेल जी जिन है हर देख के स्वागत करी कृषि मंत्री के मनोज सिंह बघेल जी। ये सब हमारे छत्तीसगढ़िया संस्कृति के प्रतीक ये सब चिन्ह है जिन है ये चिन्हारी है हर देख के कृषि मंत्री जी के स्वागत करी। संदीप अखिल जी कृषि मंत्री के गमछा पहना के स्वागत करी। गीता दीदी आप आओ आप कहाँ लुका के रहे हमारे माई कहूना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आप स्वागत करो गमछा भेंट करो आप जिन है। गीता दीदी के बड़ा योगदान है मुख्यमंत्री जी ये गौठान ला सुघर बनाए में निर्मला दीदी के घरों बड़ा योगदान है। अब मैं जिन है शिव डहरिया जी के स्वागत करे पर नमित जैन जी का बुलाता हूँ कुमरी पहना के स्वागत करिए। अमित जैन जी जिन है गमछा देके शिव डहरिया जी के स्वागत करिए। शिव डहरिया जी के स्वागत करूँ अमित भैया उमरी पहने हैं आरंग क्षेत्र के जिन है पंडोरा विधायक और गीता दीदी जिन है हल भेंट करी शिव डहरिया जी का। गीता दीदी का हल दो भाई। हाँ डोमेश्वरी वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष स्वागत डोमेश्वरी दीदी शिलेश दिवांगन जनपद अध्यक्ष स्वागत करिए भाई हमारे कोहना मन के। केसरी साहू जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ये जनपद सदस्य मन जिन है स्वागत करिए हमारे पगड़ी मन के भाई। आओ जल्दी आओ भैया आओ हाँ हाँ ये बात हो गई। अच्छा अभी अभी हमारे जिन है जिला पंचायत सीओ जी जिन्हें जानकारी दी से ये जिन भूखे से जिन स्वागत करेंगे हमारे पहुना मन के वो अनाथ आश्रम के जिन लड़का मन है उखर द्वारा बनाए गए है ये बड़का काम है तो ऐसा जिन्हें रचनात्मक काम भी हो रही थे तो स्वागत सत्कार की अगर कड़ी हो गए ईमेल तो ओला जिन्हें विराम दे थन आओ। मंत्री जी आपका स्वागत है।
अभिनंदन है। आप बताओ जिन्हें जिन योजना की शुरुआत आज हम करे हैं वो कतका महत्व है छत्तीसगढ़ में। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ में तारी की, हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे नेता आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे किसान मन के बड़े नेता और कृषि मंत्री और जी अच्छा कार्यक्रम के शुरुआत करवा है पूरा प्रदेश भर में कृषि विभाग के तरफ से आदरणीय रवि चौबे जी, हमारे विधायक भाई विकास उपाध्याय जी, राजेश तिवारी जी, हमारे आदरणीय किरण भाई नायक जी, भाई हमारे महापौर एजाज ढेबर जी, हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष गिरीश देवांगन जी, हमारे नाम ले होता है तो बहुत टाइम लगेगी। कार्यक्रम में आए हमारे सबो नेता मन और स्वराज एक्सप्रेस बढ़िया चलाते हैं। ये एक्सप्रेस हमारे किसान मन के एक्सप्रेस है जो पूरा छत्तीसगढ़ में चलत है और एक मुखिया है हमारे भूपेश बघेल जी, वो इंजन है, वो हवन है, उसका डब्बा है। महात्मा गांधी जी ये सपना देखे रही थे ग्राम स्वराज के और हमारे छत्तीसगढ़ बनिया नेता मन जीवन छत्तीसगढ़ के बनाए के लिए संघर्ष करे रही ने डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, चंदूलाल चंद्राकर जी, मिनी माता जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, ऐसे बड़े नेता मन जो हमारे छत्तीसगढ़ के सपना देखे रही ने वो छत्तीसगढ़ के सपना आज पूरा करे के काम करे थे भाई भूपेश बघेल जी। सबसे पहली किसान मन के कर्जा माफ, बिजली के बिल हाफ और प्रति क्विंटल धान के 2500 रुपया पैसा देवैया कोई सरकार है तो भूपेश बघेल जी की सरकार है जो हमारे हिंदुस्तान में पहली प्रदेश है। आज हमारे प्रदेश खुशहाल है, किसान मन खुशहाल है और आज के दिन हमारे किसान मन के दूसरा किस्त के पैसा अगस्त के हमारे राजीव गांधी जी के जन्मदिवस से 20 अगस्त वो दिन दूसरा किस्त के राशि भी मिली और ये काम हमारे भाई भूपेश बघेल जी करे राजीव गांधी न्याय योजना लारी से अब गोधन न्याय योजना के शुरुआत होते हमार किसान मन के योजनाएं हमार जो गौ माता होते उनका सम्मान है और किसान मन के सम्मान है और ऐसे गौठान हमार पूरा प्रदेश में बने 2200 गौठान बन गए 2500 गौठान और बनाते और आने वाला समय में पूरा प्रदेश के हर गांव में गौठान हो जाए। जेकर सपना हमारे महात्मा गांधी जी देखे रही हमारे छत्तीसगढ़ के सपना देखिया नेता मन देखे रही तो वो सपना आज पूरा करे के काम हमारे सरकार करते और हमारे सब मिलके आज गोधन जिला हमन गोबर के तन ओकर तक खरीदी हुई। छोटे छोटे जो किसान हैं और गांव में जो मजदूर मन है तेकरो घर में एक तो दूठो गाय, चार तो पांच तो गाय रथे लेकिन चारा के लिए उकर जगह व्यवस्था नहीं रहा है तो सांझ के दिन के दूह लेते और छोड़ देते चरी करे भर। आज उमन गाय ला बांध के घर में राखी का पाए के गोबर दही तो उकर पैसा मिली, चारा भी मिली। ये योजना के शुरुआत करे उकर लिए मैं हमार मुख्यमंत्री जी, हमार आदरणीय रविंद्र चौबे जी और सबो सहयोगी साथी मतलब बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि हमारे किसान मन के ये योजना है। एक चर्चा हमारे देश में नहीं है, हमारे प्रदेश में नहीं है, पूरा विश्व में यूनाइटेड नेशन तक ये योजना के प्रशंसा करे। ऐसे काम हमारे भाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करते तो हमारा सब ताली बजा के और दोनों हाथ उठा के सब निवेदन करता हूँ कर समर्थन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मंत्री जी। तो शिव कुमार डहरिया जी बता रहे थे कि किसे जिन है गोबर खरीदी योजना ले जिन है हमारे छत्तीसगढ़ में तरक्की आई और ये बात तो सिर्फों ने
हमूमन मुख्यमंत्री जी मैं तो गोबर सहते हूँ लईकई में अपन जिन है वो समय गोबर खरीदी नहीं चलत रही इसने हमूमन दो चार पैसा मिल जाती खत हमूमन जात रहे इसने गोबर से वो समय लाशा बेच के पैसा कमाए हैं तब बाजार हाट कर लेते रहें कोसा बेच के जिन्हें बर्फ खाए हैं सराय पाली बिकट आवा है बर्फ तो वो समय बड़ा जिन्हें वो नारा रही से तो पैसे नारा जिन्हें मैं बोल देता हूँ सब सुने घलो को हो सराय पाली आवा है बर्फ बेचे पर जिन्हें और कोसा में जिन्हें बर्फ लेवन हमन जिन्हें ऐसे जिन्हें देखत रहे हमन जिन्हें बोईर में जिन्हें ज्यादा कोसा खोजन हमन बोई के पेड़ में रहे कोसा जिन्हें तोड़ कैसे तो हमन ओती ले जिन्हें हाथ कोसा लेके आवे सराय पाली ले तो सराय पाली वाले कैसे कहा है माल देख के फंसना लाल लाल माल देख के फंसना इसे की कहा है तो हमन जिन्हें फंस जात रहे और जिन कोसा में दो चार ठोक बर्फ मिलना चाहिए तेन में एक एक धरा दे चार रहने वाले तो ऐसे जिन्हें वो नारा रही से तो खैर ये गोबर के जिन महत्ता कतका है ओखर बारे में बता सन लेकिन ओखर पहली हमार जिला पंचायत कोती ले जिला प्रशासन के सहयोग ले जिन हमार अनाथ आश्रम के लड़का मन है उमन बड़ा सुघर जिन है राखी बनाए है ओला हमार जिन गांधी बाबा है कस्तूरबा दाई है ओला भेंट करी हमार माई पहुना मुखिया है हमार जिन गांधी बाबा है और कस्तूरबा दाई है ओला जिन है भेंट करी ये राखी जिन है अनाथ आश्रम के लड़का मन बनाया है जिला पंचायत जिला प्रशासन के सहयोग ले हमार जिन्हें एला देना है भाई गेड़ी फुगड़ी बिल्लस त्रिकोल खो खो कबड्डी और झूलना रहे चोल तो ये जिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति के जिन प्रतीक है जिला आप देखे हो मुखिया अभी जिन्हें खिलत रही थे तो कृषि मंत्री जिन रविन्द्र चौबे जी है उखल समर्थन पूरा गोबर योजना ला गोबर खरीदी के जिन योजना के शुरुआत हो है छत्तीसगढ़ में कैसे तरक्की आई किसान मन कैसे मजबूत हो पाए किरण में जी भी आगे है उखड़ो अभिनंदन है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे किसान मन पर हरेली तिहार सबसे महत्व के तिहार होते हमन अपन हर काम बोनी करके नांगर बखर के पूजा करके धरती माता गौ माता के पूजा करके कर शुरुआत करथन और सौभाग्य से हमारा आदरणीय मंत्री भाई शिव डहरिया के क्षेत्र में हमारे प्रदेश के नेता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और जेखर सोच तुम्हें महसूस होवत हुई गांव भर किसान भर मजदूर भर गरीब भर का है आज हमारे मंच में मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हैं। मैं आप सबसे अपील कराता हूँ जोरदार ताली बजा के माननीय भूपेश जी के स्वागत करो। सम्मानीय डॉक्टर शिव डहरिया जी आदरणीय भाई विकास जी सम्मानीय सांसद छाया जी आदरणीय सुरेंद्र भैया सम्मानीय राजेंद्र भैया आदरणीय किरणमयी नायक जी आदरणीय जैन साहब हमार प्रशासन और शासन के सबो अधिकारी मन उपस्थित संगवारी मन किसान भाई बहनी दीदी मन हरेली के त्योहार के अपन आप में बहुत महत्व है। पिछले साल जब हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं के हरेली के त्योहार मान दो सब प्रभारी मंत्री अपन अपन जिला में जाही गौठान में कार्यक्रम हो ही जिला प्रशासन ओमा भागीदारी करही कोनो मेर फुगड़ी कोनो मेर भौरा कोनो मेर गेड़ी कोनो मेर रहचुली कोनो मेर झुलना पूरा छत्तीसगढ़ में पहली बार महसूस हुई कि हमार सरकार बने हैं 20 साल बाद लोगों ने लगी कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया और किसान के सरकार बने हैं। कलेक्टर मन गेड़ी चढ़े के प्रैक्टिस करत रही ने लगत रही से क्या वे छत्तीसगढ़ राज बने हैं। हमन जब छत्तीसगढ़ी में बोलन तो पहली लोगों ने पता नहीं कहा हो जात रही से लेकिन अब
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के बने के बाद जब जब बड़े बड़े उत्सव छत्तीसगढ़ में राजधानी में होते तो हर आदमी छत्तीसगढ़ी में बोले के कोशिश करते, हमार अस्मिता, हमार त्योहार, हमार संस्कृति, हमार रहन सहन खान पान कला ये सब पुनर्जीवित कोई करीस तो तुम्हार आशीर्वाद से हमार मुखिया आदरणीय भूपेश जी करी। धान के बारे में लगातार चर्चा होती रही से ये के मंच में द्वारका भैया कार्यक्रम करा रही से हम आए रहे नवा नवा कृषि मंत्री बन के लोगन ला पूछत रही ने भरोसा रही के नहीं रही के 2500 के घोषणा हो रहे 2100 के जब बात करे रही सरकार में ओ कई दिन के बजट नहीं है छत्तीसगढ़ के किसान ला पैसा नहीं मिले रही। लेकिन जब भूपेश जी की के किसान के कुंटल पीछे 2500 रुपया दिए जाही ई आरंग के किसान सभा में वाला पूछे गए रही से उही दिन बात मैं कह रहे हूँ जो उन जुबान से निकल गए आदरणी भूपेश जी के वाला लक्ष्मण रेखा माना 2500 रुपया दिए जाई के मतलब दिए जाई। कर्जा माफ के बात हुई, सिंचाई टैक्स के माफ के बात हुई और साल 20,000 करोड़ के धान खरीदी, एक साल 21,000 करोड़ के धान खरीदी, 10,000 करोड़ के कर्जा माफ, 250 करोड़ से ऊपर के सिंचाई टैक्स माफ, ये 52,53,000 करोड़ रुपया काठर हिम्मत है किसान के खाता में दिए के ये किसान के बेटा भूपेश बघेल ये प्रदेश के किसान के आशीर्वाद से काम करके दिखाए। आदरणीय संगवारी हो, जब गोधन न्याय योजना शुरू करें, राजीव गांधी न्याय योजना पहली शुरू हो दिल्ली के सरकार की 1815 रुपया से ज्यादा धान के कीमत तय दे नहीं सकत, हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेता की 2500 रुपया से कम हमला देना नहीं है, बहुत दिन तक यही बात के लड़ाई चली वो कर लिए नीत बनाई साधन ने मुख्यमंत्री जी। राजीव गांधी न्याय योजना 1500 करोड़ रुपया पिछले बार तुम्हार सबके खाता में गिर और अभी फिर 20 तारीख के 1500 करोड़ रुपया दूसरा किस्त जाही। जब गोधन न्याय योजना शुरू करें मुख्यमंत्री जी की इसकी गोबर खरीदना है, छत्तीसगढ़ में 2400 गौठान बन चुके हैं, 2800 गौठान के निर्माण काम चला थे, जंगल में 7000 चराई गौठान बनने वाला है, आदरणीय शिव कुमार जी के नगरी निकाय मन में गौठान लगभग सब नगर पंचायत नगर पालिका नगर निगम में बनने वाला है। लोगों ने समझ में नहीं आई ये योजना कैसे चली कैसे बनी, हम तुम कीमत तय करो हम 1.5 रुपया किलो लेवो कहके मंत्रिमंडल के समिति बैठ करके निर्णय लें हमारे मुखिया की ही। जब गरीब ला पैसा देना है तो 1.5 रुपया किलो नहीं बने 2 रुपया किलो करे जाही और योजना समझ लेना एक से गौ माता के रक्षा होगी गौ के सेवा होगी गांव में चरी चरागन के रोक होगी। गोबर जब खरीदो ना ये देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 500 रुपया देते साल भर में मिलते कि नहीं मिले, लेकिन हमारी ये गोधन न्याय योजना में अभी हमन आदरणीय मुख्यमंत्री होने कांटा तराजू में गोबर के तलाई करी एक झौहा गोबर कतका किलो हो 16 किलो समझाता हूँ एक झौहा बर्दी पहाट निकलते पाछू में गरुआ के लड़का मन झौहा धर के निकलते ना पहाट दैहान नहीं पहुँचे पाए एक झौहा गोबर हो जाते और एक झौहा 16 किलो और दिन भर में अगर 3 झौहा इकट्ठा हमार लड़का हमार दाई डोकरी बुढ़ुआ सब एला तो कोनो भी कर सकत है ना, अगर 3 झौहा भी गोबर हो गए तो 16 तिया 48 माने 96,100 रुपया तत्काल होकर पक गए समझ ले 100 रुपया 2 रुपया के भाव में एक दिन में 100 रुपया तो 30 दिन में कम से कम 3000 रुपया जेखर तीर गरुआ है एको एकड़ जमीन नहीं है जिला हम लैंडलेस के थन भूमिहीन गरीब ओखर बर ये कत का जड़ी योजना है। अरे मुख्यमंत्री जी कहे
2 रुपया में खरीदबो, 8 रुपया में कंपोस्ट बना के बेचबो, कोनो छेना बनाही, कोनो कंडा बनाही, कोनो लकड़ी बनाही, कोनो दिया बनाही, कोनो गमला बनाही। अभी ये राखी हमार जिला अधिकारी मन, हमार लड़का मन जोन बना के दे तेला दे त्रीनो में गोबर के मोती बना है, रंग करे है, राखी चढ़ाए। ये जो 2 रुपया किलो के गोबर है ना, तेखर कत का कीमत होने वाला है तेखर कल्पना नहीं है। तो किसान खुश होई, ओखर लोला खातू मिली, गौ माता के रक्षा होई, चरी चरागन रुकी, गरीब ल पैसा मिली, रोजगार बनी, खेती में ऑर्गेनिक खेती होई, खेती के तरक्की होई। कौन सोच सकत रही से, ये सोचे के ताकत अगर ये छत्तीसगढ़ में है तो त्वार आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में है। तो अतिक जन योजना आज आपके बीच में शुरू करे है। एक बात चूंकि किसान मन के इलाका है, मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, गांव गांव में गौठान बनना है। अभी तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हर पंचायत में एक गौठान, और आने वाला समय में जब हर गांव में मांग होगी, वो विधायक मल्ल भी छुट्टा कर दे, अपन विधायक निधि से जब का गौठान बनाना है बना सकत हो। हर गांव में जब गौठान बनी ना, तो आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के विकास और गरीबी गरीब मन के विकास के लिए ये सबसे बड़े कदम होगी। तेखर से थी आज ये गोधन न्याय योजना के शुरुआत होते। और शिव भैया का तृष्णा ये चर्चा छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान, देश विदेश में होते, क्या की रही से कैसे योजना हमार मुख्यमंत्री जी के सोच में आए। एक छोटे से बात किसान इलाका में कहना चाहता हूँ। हम दिल्ली के सरकार से मांग करे हन, हमार धान से चाउर से इथेनॉल बनाए के हमला परमिशन दिए जाए। हमार धान के उत्पादन होते पिछले बार 1,25,00,000 मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ में पैदा हो है, और 125 रुपया के भाव पूरा छत्तीसगढ़ में। कोनो मेर बीज के बारे में तंग नहीं हुई, कोनो मेर खातू के तकलीफ नहीं हुई। अब ये गोधन न्याय योजना आगे है, धान के उत्पादन बढ़ी। अभी अमरजीत भैया बतातरी से मुख्यमंत्री निवास के कार्यक्रम में 1,100,000 मीट्रिक टन चाउर हमारा भी बचे हुए। हम दिल्ली के सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ला कहे हम खाली तक परमिशन दे दे, पैसा के जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसान मेहनत से धान के उत्पादन करी, और हमन केवल इथेनॉल बनाए के परमिशन मांगा थन, और अगर वो परमिशन मिल जाए तो चिंता करे के काम नहीं है। गर्मी के फसल पर भी ओदरी किसान सम्मेलन में यहाँ मांग करे रहे हो, और ओखर इजाजत आदरणीय मुख्यमंत्री दे रही से अगर इथेनॉल बनाए के अनुमति मिल जाए तो छत्तीसगढ़ में धान के जत का उत्पादन हो ही, वो सब के व्यवस्था करे के काम सरकार के हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य देश के प्रधानमंत्री खाली एक तो दस्तखत करना है, मुख्यमंत्री 10 बार चिट्ठी लिख डरे है, लेकिन वाला परमिशन दे में का तकलीफ है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मन रोज ट्वीट करते, रोज फोन करते, रोज मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते, एक बार तो देश के प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखो। आने वाला समय में हमारे छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़ के किसान पर, यहाँ के मजदूर पर, यहाँ के गरीब पर जब का कार्यक्रम आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बनावा थे, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान अतेक लॉकडाउन हुई, सब गतिविधि बंद हो गए, आर्थिक मंदी हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान के चेहरा में जो खुशी है, जो रौनक है, वो छत्तीसगढ़ के समृद्धि के प्रतीक है। ओला देने वाला आदरणीय मुख्यमंत्री है, ओखर नेतृत्व में आज हरेली तिहार के शुरुआत होते। आप सबला हरेली के बहुत बधाई देवत हुए। मैं अपन बात समाप्त करता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ के किसान हमेशा भूपेश जी के साथ छत्तीसगढ़ में चली, और छत्तीसगढ़ ला जो कल्पना करे रहे हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध राज्य बनाबो, ओ दिशा में हम आगे बढ़वो। अटके के अपन बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मंत्री रविंद्र चौबे जी। ताजा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते कई जिन्हें बछर ले वहाँ ले जीत के आवत है,
और कृषि मंत्रालय संभालत है। छत्तीसगढ़ में जिन्हें खेती किसानी के जिन्हें बड़ा महत्व है, मन छत्तीसगढ़िया मन जिन्हें बड़ा संतोषी प्रवृत्ति के होथन और किसान मन घलोक संकोची घलोक होथन, कोनो बात ले जिन्हें बहुत बेहतर ढंग ले नहीं कही पान, संकोच करके रह जथन। लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है, पाछू 18 महीना में देखत हो आप छत्तीसगढ़ में सब रंग जिन बदलत है, ओकर पाछू में जिन्हें छत्तीसगढ़िया सरकार के जिन्हें बड़ा योगदान है। काबर की अब वो जिन्हें संकोच करे वाले चीजें नहीं है, खट ले जा अपन बात ले रखो तो हल शुरू हो जा, जेन चाहता तेन हो जाते। तब मरम ल समझैया जब मुखिया आ जाते, मनखे ऐसा आ जाते, तब सब काम धाम बने बने हो लगते। तो ये बात तो सिरतो ने चौबे जी जेन कही से कि पाछू 18 महीना में जिन्हें छत्तीसगढ़ ही संस्कृति जेन रूप में दिखाई दी से, आज वाला जिन्हें हर जगह जिन्हें देखे पर जिन्हें और समझे पर मिला थे, एमा कोनो दोए राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जत्ता ज्यादा से ज्यादा हो सका थे वो किसान मतलब जिन्हें मजबूत करे में पहली लगे है। प्राथमिकता में उखर किसान हवाए, गांव गवई हवाए, ये जत्ता मजबूत होई हमारे छत्तीसगढ़ जिन्हें ओतके तरक्की करी। और आज जिन योजना के शुरुआत हुई से गोधन न्याय योजना गोबर खरीदी की शुरुआत, यह देश के जिन्हें इकलौता अपन आप में अलग योजना है, यह देश के मॉडल बनी है, मैं कोई दो राय नहीं है, यह विश्वव्यापी योजना बनी है, मैं कोई दो राय नहीं है। काबर की हम सब जिन है एक संकल्प के साथ चढ़ा धन नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो, हमारे जिन पुरखा मन रहे हैं जिन सपना छत्तीसगढ़ लेके देखा रही से वही सपना ला पूरा करे बार आगू बढ़ा था। काली हमन जिन है हमार पुरखा खूबचंद बघेल जी के जिन है जयंती मनाया है, उन जिन सपना देखे रही से ओ बछर मा 60 के दशक मा वो सपना आप कैसे साकार हुआ थे बोला आप ये बखत देख सकत हो। तो मुखिया जी एक ठीक बात ल मैं बता के आप लोग बुलाना चाहता हूँ, अभी पाछू दिन जिन्हें मुख्यमंत्री निवास में जिन्हें हमल खाए पर बुला रही, मीडिया वाले मन चाय पानी की व्यवस्था होत रही थे, भात साग जिन्हें खा लेते नीचे की के थोड़ा गोट बात कर ले वो कहा कैसे चलत सरकार समझल पड़ते, तो बुलाई तक इसे बातचीत हुई तो पूछी सौ बे में तैया कहा हाल चाल कैसे चलत है। मैं क्यों सब चलत है एकदम बढ़िया है, कोनो चिंता कोनो बात नहीं है। अरे लेकिन मोला चिंता लगे रही थे जी इसे की कहा थे। मैं क्यों कहा अरे यार काला बताओ देख ना कोरोना काल आ गए, नहीं तो मैं पूरा अभी पूरा छत्तीसगढ़ मता दे रही थे। मैं क्यों कैसे भी है पूरा गांव गांव घूमते हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी ला देखते हो, गौठान में कहा कैसे चले हैं, मैं गौठान में जाते हो इसने चौपाल लगाते हो, जिसे आज चौपाल लगा इसने चौपाल लगाते, तो ऐसा सोच होना भी अपन आप में एक बड़े बात है। तो मैं बहुत आदर निवेदन के साथ जिन है अपन छत्तीसगढ़ के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला बुलाता हूँ, आपके बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आप समझाओ कि गोबर खरीदी ले का कैसे व्यवस्था है सुधरी और कैसे किसान मन मजबूत होगी। आप सब ला हरेली के गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। आज गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई ओकर भी आप सब ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मंच में उपस्थित हमार कृषि और जल संसाधन मंत्री जिन्हें गौठान योजना के नोडल विभाग के मंत्री आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, जेकर क्षेत्र में आए हैं आपके भाई आपके संगवारी हमारे छोटे भाई नगरी प्रशासन मंत्री भाई श्री डहरिया जी, आदरणीय भाई विकास उपाध्याय जी, राजेंद्र तिवारी जी, थोड़े दिन खड़ा हो जाएगा तुम, हालांकि तुमन ये है अभी संसदीय सचिव बनेगा, राजेंद्र तिवारी जी है खादी ग्रामोद्योग के निगम के अध्यक्ष मंडल के महिला आयोग के अध्यक्ष, और ये महापौर गिरीश देवगन कहाँ चल दीजिएगा, गिरीश देवगन इति खड़े है खनिज विभाग के, और सुरेंद्र भैया बने कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, छाय वर्मा जी और हमार सलाहकार भाई प्रदीप शर्मा जी, विनोद वर्मा जी, रुचिर गर्ग जी, राजेश नहीं आएगा, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष,
आदरणीय रमेश जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, आदरणीय साहू जी और स्वराज एक्सप्रेस के भाई नमित जैन जी और पूरा स्वराज एक्सप्रेस परिवार के और lalluram.com के सबो साथी मन, साथ ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और सबो हमारे जनप्रतिनिधि मन के भी पाछू को दिल दिखा थे। सब साथी मल्ला सादर अभिवादन हमारे जिला प्रशासन के सबो अधिकारी मन, सबो किसान भाई मन, दीदी बहिनी मन, हमार बहुत अका है सकुन है उहुल हरेली के बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आज ऐतिहासिक दिन है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत जेमे गौठान में पहुंचाए के बाद 2 रुपया किलो गोबर खरीदे जाए, ये पहली सरकार है पूरा देश में ये काम करने वाला। और मैं समझता हूं शायद दुनिया में भी कोनो सरकार गोबर नहीं खरीदत हुई। कई जन कहते कि गोबर ही खरीदे के निर्णय कावर ले हस, एक पीछे की पृष्ठभूमि थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में बहुत अकन समस्या जेकर बारे में चर्चा होते, यहाँ नक्सली समस्या है, यहाँ बहुत गरीबी है, बहुत अशिक्षा है, कुपोषण है, बहुत अकन बात हुए। तो अक्सर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिल्ली मोर जाना हुए, वो समय विनोद वर्मा जी वहाँ पत्रकारिता करत रही से, तो वो पूछे तो सबसे बड़े समस्या का लाग थे, मैं कहीं ये खुला में जन दरवा चल रहा है ना, तो सबसे बड़े समस्या है। अभी हमन उतेरा नहीं ले सकन, उन्हारी सियारी नहीं ले सकन, अब धीरे धीरे रायपुर के तीर में, शहर मन के तीर में जतका गांव है उनमें बरसात के फसल लेना कठिन हो जाते, तो धीरे धीरे बरसात के फसल ला भी बचाना हमार मन पर मुश्किल हो गया। यदि हमन फसलें नहीं लेबो और छत्तीसगढ़ में जहाँ 75-80% व्यक्ति गांव में रहते और खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, ऐसा में यदि हम खेती नहीं करबो तो हमारे मन के रोजी रोटी कैसे चली, परिवार कैसे चली, तो मैं समझता हूँ ये खुला में जिन जानवर चरा थे तेन सबसे बड़े समस्या। हमन चर्चा करन आखिर एक का हल निकल ही। फिर धीरे से एक बार प्रदीप शर्मा का ऑफिस में मन बैठे रहे, चर्चा होत रही से रुचिर भी से चर्चा होत रही, तो का करना चाहिए वो कहते गरवज भरला काबर करता नरवा भी जोड़ना चाहिए, तो फिर हो गए नरवा और गरवा, तो धीरे से फिर जुड़ गए घुरवा और बारी, फिर नारा बन गए कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, एला बचाना है संगवारी। ऐसे ढंग से एक यात्रा शुरू हुई, सरकार बनी तो हमन गौठान बनाएल कहें, कतको जन समझ नहीं आए, कैबिनेट के बैठक हुई सब अधिकारी मन लग कह नहीं नरवा गरवा घुरवा बारी बारे में बताऊं, तो अधिकारी मन पूछे का है नरवा का है गरवा का है घुरवा का है बारी का है, यहाँ 200 साल नौकरी करत हो गई, रिटायर भी हो गए कतको जन, लेकिन ये शब्द हमन नहीं सुने। पहली बैठक में थमर हो गए ऋण माफी, 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदी, एकर फैसला करे रहे। दूसरा जब कैबिनेट हुई तो नरवा गरवा घुरवा बारी के बारे में बात हुई, तो सब अधिकारी मन कागज में नोट करे नरवा गरवा घुरवा बारी, सब मोबाइल में नोट करा थे, उकर मतलब निकाला थे, वो मन NGGB की दिस मेके 60 फार्म नहीं चलाए, ये नरवज गरवा घुरवा बारी रही। नरवा काम भी हमार चला थे, हमन 1300 जो नाला है साल लेन जेमे वाटर रिचार्जिंग के काम चला थे, हमार प्रत्येक नरवाला हमन वाटर रिचार्जिंग करबो ताकि पानी के कोई प्रकार के समस्या नहीं आना चाहिए।
चाहे वो पेयजल के हो, चाहे निस्तार के हो, चाहे खेती किसानी पर हो, चाहे उद्योग पर हो, पानी पर्याप्त रहना चाहिए। पानी पर छत्तीसगढ़ में कभू आप सब जाना तो हर तीसरा साल में अकाल पड़ते, हमन अकाल से जूझथन। रात काम पहले खूब मांग चले, आंदोलन चलत रही से, अब हमल ये पानी हमर किसान के हाथ में दे गए। श्यामा चरण जी शुक्ल का है, कुछ मत कर भूपेश, केवल किसान के खेत में पानी पहुंचाए, काम कर दे, रोजगार खुद पैदा कर ले किसान, ये श्यामा चरण शुक्ल जी का है। तो हमल्ला हर नरवल हमल्ला वाटर रिचार्जिंग करना है, ताकि हमर बोर में, हमर कुआं में, हमर सतह में पानी रहे, हम लिफ्ट कर सका। जंगल में हरियाली रहना चाहिए, ये हो गए हमर नरवा। और गरवा, ये जन गरवा है, तेकर बर बहुत अकन सरकार मन बहुत अकन योजना बने, इस ओकर कैसे ढंग से व्यवस्था हो, गौशाला मन के निर्माण हो, इस करोड़ करोड़ रुपया एक एक साल में अनुदान दिए जात रही से, लेकिन स्थिति का बहुत अकन गौशाला वाला मन बहुत श्रद्धा पूर्वक गौशाला संचालित करत रही से, लेकिन कुछ ऐसे भी गौशाला संचालक मन रही से जे मन जेकर अनुदान के पैसा लग खुद खा जाए, गरवा बिना चारा के मर जात रही से। ये छत्तीसगढ़ में सैकड़ों हजारों जन जानवर है गौशाला मन में, उगर मन के मृत्यु हो गए बिना चारा के कारण से। वो स्थिति में बहुत अकन सरकार में सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट रखा थे, लेकिन हम तय करें कि हम अलग गोबर खरीदना है। गोबर खरीदवे, गोबर से पैसा मिली, अभी 16 किलो के एक जमा गोबर हमन खरीदे 32 रुपया हो गए। साहू जी पूछे तुरघर के ठक गरवा है, वो किसी 5 ठक गरवा है, कदे कन गोबर निकल जात हुई, वो किसी 75-80 किलो निकल जाएगा, तो 80 दुनी 160 रुपया, और 16 × 48 4,500-5,000 के गोबर हर महीना। वो गरवा भले दूध मत दे, गोबरे भर दी तब वो 4-5,000 रुपया कमा ली, 5 ठक गरवा रख ली तख्ते में। तो गरवा ले गोबर, गरवा गोबर कब दी, जब वो चारा खवावे, बिना चारा के गोबर दे नहीं। एक मतलब ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मवेशी तंदुरुस्त रही, चाहे वो दूध देने वाला मवेशी हो, चाहे दूध ना देने वाला मवेशी हो, वो चारा भरपूर पाही। अब चारा यदि भरपूर पाही तो चारा जब इकट्ठा करबे तो कहां रही, हमन तो पैरल लेस देखन, हार्वेस्टर में कटवाथन और भुर्री माचिस मार के भुर्री बार देथन। आप कोनो किसान भुर्री नहीं बारा है, सब पैरल इकट्ठा करके अपन घर में लाई, गौठान में लाई, गौठान में दान करना भाई गरबा तुहरे। एकर मतलब हमारी जमीन जले से बची, हमार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाए। आज ग्लोबल वार्मिंग के बात करते, पैरल जलाते, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक कहते कि दिल्ली गैस चैम्बर बना दे, कांवर हरियाणा पंजाब के किसान मन है धान के पैरल आगे लगा देते, पूरा धुआं थे दिल्ली में भर जाते। हमार छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदे थे तेकर से हुई कहा कि हमार पैरा है तेन लिसाज बांध जाए, वो पैरा है तेन गौठान में आई, गोर्रा में आई, हमार प्रसार में आ जाए और 12 महीना हम खवाबो, तो हमारे वातावरण शुद्ध रही। और होकर से कहा हुई जब घर वाला 12 महीना घर में बैठार खवाबो, गौठान में बैठार खवाबो, तो हमारे जिन फसल के जिन चरी चरागन तिन रुक जही। यही साल हमार रोका छेका करें, 15 दिन पहली किसान मन बावत कट रही, बहुत बड़े बड़े किसान मन बैठे है, हरेले एक दिन कभू नांगर के पूजा नहीं कर सकत रहे, 82 रोपा नहीं हुआ रही, पहली साल है जिन नांगर है धोवा के घर में धरा गए, आज हरेली हरेले दिन पूजा हुई, पहली बार हो है। यदि रोका छेका नहीं होती तो हम पहली बावत नहीं कर सकते, पहली थरा नहीं दे पाते, पहली रोपा हमार नहीं लग पाती। 15 दिन आगू हो गए हमार खेती है, तो 15 दिन पहली फसल आई, और 15 दिन पहली फसल आई तो हमार उन्हारी सियारी तक बढ़िया बो आ जाए,
ठहन पाए वह फसल हो ही हमारा। हम दो फसल ले सकते हैं किसान, हम एक फसल ऊपर जहां आधारित है, दूसरा फसल भी हमारा आराम से हो जाए। तो किसान के घर समृद्धि आई। और ये वर जिन गोबर खरीद वो 2 रुपया गोबर गौठान पहुंचा के, घर से नहीं खरीदान भाई, जिन गांव वाला मन तय कर रहे कि गौठान थोड़ी दूरिया है तो 25 पैसा किलो कोनो एकाध जन गाड़ा वाला दे दे तो वो गौठान तक ले आई वहां, लेकिन वो 2 रुपया गौठान पहुंचा देना है गोबर ला, 25 पैसा है वो ट्रांसपोर्टिंग बढ़ा रहे हैं। ओकर बनाबो वर्मी कंपोस्ट जेकर बारे में चौबे जी बहुत अकन बताई, गोबर से छेना भी बनी, लकड़ी भी बनी, दिया भी बनी, राखी भी बनी, गमला भी बनी, सब बनी, गोबर के उपटन बना थे, बहुत अकन काम होते, गौमूत्र से भी बहुत फिनाइल बना थे, दवाई बना थे, वो सब हमें ले गौठान में करना है। ये जिन गौठान है तेम वर्मी कंपोस्ट बनाबो, 2 रुपया गोबर है, 45 दिन वो केचुअल मिला कर थोड़ी उसका ट्रेनिंग ले लो, उसका वर्मी खाद बनाए सीख, जब 45 दिन में वही गोबर है तेन 1 किलो गोबर तेन 700 वर्मी कंपोस्ट बनी 700 ग्राम, और वो दिन है तेकर 8 रुपया किलो रही, 8 रुपया किलो हम सोसाइटी में बोला जमा कर देबो, हमारे यहाँ गोडाउन बनी सोसाइटी में एंट्री हो जाए, वही मई जून के महीना में सब किसान मान लो जिन DAP खरीदा थे, यूरिया खरीदा थे, तो जगह वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर ही। और ये जन गोबर है तो सीधा खेत में हमारे नहीं छीतन, वो सड़ाएल लगते कंपोस्ट बनाए लगते, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बना देवे जैसे यूरिया छीत था खेत में तैसे वर्मी कंपोस्ट छीत सका था। अभी वर्मी कंपोस्ट गांव में जन बनी 45 दिन बाद बन जाए वो ले लो, और यूरिया की जगह में वो वर्मी कंपोस्ट के छिड़काव कर दो, और जिन असर यूरिया करी तेकर से बढ़िया असर वर्मी कंपोस्ट करी। तो हमारा जैविक खेती की तरफ बढ़ना है, हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ी, जैविक खेती हुई तो जब फल है, सब्जी है, अनाज है तो शुद्ध रही, उसमें कोई प्रकार के केमिकल नहीं रहा है, तो स्वाद भी बढ़िया है और बीमारी भी नहीं हो। तो एक गोबर खरीदे करे से कतेकन परिवर्तन आई तेला आप समझ लो, गोबर खरीदे से मवेशी के तंदुरुस्ती है, गोबर खरीदे से पैरा मन के जलना बंद हो जाए, गोबर खरीदे से हमार जमीन के उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, गोबर खरीदे से हमार फसल के सुरक्षा हुई, गोबर खरीदे से हमार मन के अनाज की शुद्ध मिली, गोबर खरीदे से हमार खेती के खर्चा कम हुई। तो ये होगी गोबर खरीद से अतका कन फायदा। और गौठान संचालित करना है तो सबसे पहली गौठान में हरा चारा की व्यवस्था करना है। तो हरा चारा जैसे नेपियर घास बने हैं रोज चेत कटर में काट के खवाई तो निश्चित रूप से गरवा मन फिर हरा गरवा तो बाड़ा कूद के नहीं जाए, फिर हरा पेड़ भर चारा यही मिल जाए तो काबर खेत में चरे भर जाए। तो वो पाए के हरा चारा होना बहुत जरूरी है ताकि फसल ताकि हमारे मवेशी तंदुरुस्त रहा है। अवकर बार का नाम है गजन यहाँ सहयोग करे जैन जी, मुकेश जैन जी कहाँ है पीछे बैठ खड़ा हो जाएगा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, 7-8 लाख रुपया यहाँ खर्चा करे, कतका करेगा 7-8 लाख रुपया खर्चा करे, चेप कटर वगैरह लगाया है। मैं बहुत जन आग्रह करें कि इसने ढंग से कुछ कुछ मैंने गोद ले लो जो मैं गौ सेवा करना चाहा था ताकि यहाँ विकास किया जा सके। और जैसे ये सेट बने हैं हमारे गांव के बेटी माई मन है, नौजवान साथी मन है, बैठ के जहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाए वहीं साबुन बनाए के काम है, फिनाइल बनाए के काम है, अगरबत्ती बनाए के काम है, गमला बनाए के काम है, यहाँ ये इंडस्ट्रियल पार्क 1 एकड़ जमीन ले ही गौठान में हमारा सुरक्षित रखना है ताकि वो इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में काम आए। जैसे चीन में गांव गांव में सब चीज बना थे तो इसे ढंग से यूं बनना चाहिए। अभी चौबे जी बता दी थे वो कर यहाँ पेन असेंबल करे काम करा था वहां लड़का में, तो इसने काम हमन करबो तो गांव रोजगार हमारा मिली, बेचे की व्यवस्था हमारे प्रशासन जिला प्रशासन ला मन कही दे कि रायपुर के जतका व्यापारी तेकर मन के बैठक कराओ
वो मतलब का चीज ओकर दुकान में जरूरत पड़ते ओला लिपिबद्ध करो ओमर रॉ मटेरियल दे दे तो अच्छा बात है, कौन क्वालिटी की है तेला बता दे। तो गांव गांव में जो समूह है ते मतलब ट्रेनिंग दे के वो काम मतलब करवाबो तो गांव हमार रोजगार खड़ा हो जाए। आज गांधी बाबा के प्रतीक के रूप में कस्तूरबा बा के रूप में यहाँ बैठे है, वो गांधी बाबा कह रही से हमला ग्राम स्वराज बनाना है। भारत के आत्मा गांव में बस थे और जब तक के ग्राम स्वराज नहीं हुई तब तक के भारत तरक्की नहीं कर सका है। तो हम सुराजी गांव बनाया कि हम ठाने हैं गांधी जी से 50वीं वर्ष गांठ है। यह अवसर में हमें गांव गांव में यह प्रकार से ग्राम उद्योग हमें संचालित करना है। खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष भी आए हैं तिवारी जी, ये घूम घूम के ही काम करी किसान मन के कैसे कल्याण हुई तेकर बस सुरेंद्र भैया है, महिला मन के साथ कोई प्रकार का अन्याय न हो तेकर बस किरण हवे। तो सब जन के जिम्मेदारी दिए गए है, ये मन खूब मेहनत करी आप मन के साथ में मिल के काम करी और हम अल्लाह संपन्न बनाना है। ऋण माफी से और 2500 रुपया दे से यहाँ छत्तीसगढ़ में मंदी के दौर से बाहर है, यहाँ के किसान यहाँ के मजदूर खुशहाल है, सबसे ज्यादा मनरेगा काम छत्तीसगढ़ में हो है, सबसे ज्यादा लघु अनुपज खरीदे के काम छत्तीसगढ़ में हो है, सबसे ज्यादा दाम धान के छत्तीसगढ़ में मिला थे, सबसे ज्यादा गन्ना के दाम छत्तीसगढ़ में मिला थे। तो समृद्ध छत्तीसगढ़ के बाद हमार पुरखा मन सियान मन केहरी से ओला साकार करे के समय आ चुके है। कल डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के 121वीं जयंती हमन मनाया हन, जिन पहली छत्तीसगढ़ के सपना देखे रही से वो सपना दृष्टा के सपना ला साकार करना है। ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी, छेदी लाल बैरिस्टर जी, इसाउदा जी महंत, मिनी माता जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, बहुत पुरखा मन हमार सपना देख रही छत्तीसगढ़ के बारे में। अब वो सपना साकार होते ऊपर में जिया भी हो ही छत्तीसगढ़ के जनता आशीर्वाद दे रही, जिन हमार सपना रही थे तेल आज ये लेकर मन पूरा करे थे खूब आशीर्वाद उसी आ हमार पुरखा मन देत हुई। तो मैं एक अंतिम बात कही के 21 मई के राजीव गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहली किस्त आप मल्ला मिले रिश्ते 20 अगस्त के उकर जयंती है दूसरा किस्त मिली, वो कौन दिन पर थे जाना था करू हाथ था तेने दिन पर थे तभी रोपा भी आशी सब पैसा सिराज थे। तो करो भात खाओ तीन दिन पैसा मिली और दूसरा दिन उपास रहू, दिन भर पैसा मिली तो अगर खरीदी बरियत करो बेटी माई में ना, और अगर फिर दूसरा तीसरा दिन बढ़िया से नवा लुगड़ा पहन के फरहार करो। तो आप सब ला बहुत बहुत बधाई, हरेली भी बधाई आप सब ला, एक गौठान के गोधन न्याय योजना के बधाई और शुभकामना देते हुए भैंसी डेयरी क्षेत्र में बहुत बढ़िया आयोजन, अभी कोरोना काल चला थे थोड़ी फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। मैं तो समझता हूँ कि माइक धर के भाषण दे हमला तो गांज दिन हो गए, मरवाही में 10 फरवरी का आखिरी भाषण दे रहे हैं, ओकर बाद आज माइक ला धरे हैं, कई महीना बीत गए लेकिन कोरोना का हमला हल्का में नहीं लेना है। गाँव वाला मन बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रहे है, गांव न कोनो आन देत रहे न जान देत रहे, और कारण से हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना नहीं फैल पा रही से, लेकिन अभी थोड़ी ढिलाई हो गई। अभी जिन यूनाइटेड नेशन के और WHO के जिन रिपोर्ट आए थे न हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र में भी फैला जाते, अब थोड़ी एक बार फिर से कड़ाई करे समय आ गए। गांव गांव वो प्रबंध कर लो, नहीं तो एक इलाज अभी तक नहीं मिले, वैक्सीन नहीं मिले अभी तक है छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, दूसर प्रदेश में हजारों और लाखों में कर्म के आंकड़ा पहुंचा थे और तेजी से बढ़ जाते। तो हमें गांव में फिर से हुई व्यवस्था, गांव में कोनो जैसे रोका छेका कर रहे नहीं तो इसने फिर से व्यवस्था तो मतलब करे लगी, सुरक्षा में ही हमारे बचाव है। तो एक आम मतलब आप करो यही निवेदन के साथ हरेली के और गोधन न्याय योजना के बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए सीड रेल बधाई देते हुए सकुन बहुल आशीर्वाद देते हुए हमारे जिला प्रशासन खूब बधाई शुभकामना बढ़िया आयोजन करे और यही प्रकार के गठान हर पंचायत में बनना चाहिए हमारे लक्ष्य, और हर गांव में बनाना है
और भाई नमी जैन जी और स्वराज एक्सप्रेस ले भी बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ मातारी की जय। छत्तीसगढ़ मातारी की जय। छत्तीसगढ़ मातारी की जय। जय जय छत्तीसगढ़। जय जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। तो दो मिनट के हूँ जिन्हें कार्यक्रम है में रहिए मंच के कार्यक्रम। अब मैं हमार चिन्ह भेंट करे पर जिन्हें आमंत्रित करत हूँ नमित जैन जी और देवेंद्र मिश्र जिला की हमार माई पहुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला जिन्हें चिन्ह भेंट करी। दोनों रविन चौबे जिला जिन्हें देवेंद्र मिश्र जी और मनोज सिंह जी जिन्हें चिन्ह भेंट करी। डहरिया जिला जिन्हें मनोज सिंह बघेल जिन्हें चिन्ह भेंट करी। मनोज सिंह बघेल जी जिन्हें डहरिया जिला ये जिन्हें एक प्रयोग हो है और एक प्रयोग करें हमन मुखिया जी। ये अपन आप में एक बढ़िया प्रयोग है। आज हमार आरंग क्षेत्र के विधायक मंत्री शिव कुमार डहरिया जी भी जिन्हें हमार माई पहुना ला कुछ भेंट करना चाहते है। शिव कुमार डहरिया जी जिन्हें भेंट करी हमार माई पहुना और जत्ता पहुना जिन्हें मेर हवा हमार मंच में ओला कुछ भेंट करना चाहते शिव डहरिया जी। तो आरंग क्षेत्र के विधायक और मंत्री शिव कुमार डहरिया जी जिन्हें गोधन और जिन्हें गाय के प्रतीक स्मृति चिन्ह चिन्हा जिन्हें दे जाते जत्का जिन्हें पौना मन है सबला जिन्हें थोकन जल्दी कर दो भाई। तो ये बात तो सित्तो हरे कि जिन्हें जत्का तरक्की पाछू 18 महीना में छत्तीसगढ़िया मन करे है ऐसा बहुत कम देखे ला मिलत रही से। सिरतोन में जिन 20 बच्छर हमार राज ला बने छत्तीसगढ़ ला हो है ये 20 बच्छर में पाछू के 18 महीना के बाद लगा थे कि छत्तीसगढ़िया सरकार है। मैं स्वर्गीय श्यामलाल चतुर्वेदी जी के एक लाइन ला सुरता करता हूँ। वो कहा है भाई कि मोला एक जन जिन्हें इलाहाबाद स्टेशन में देखी तो देहाती की दे रही से लेकिन देहाती कहलाना भी एक गर्व की बात है। आज श्यामलाल बाबू जी जिंदा रहतीस और ये सब चीज ला देखतीस तो वो भूपेश बघेल पर कहती से तो निमगा देहाती है हमरे असन। तो सिरतोन में जिन्हें गांव गवई के सरकार कैसे होते किसान मन के सरकार कैसे होते वो आप ये छत्तीसगढ़िया सरकार देख के समझ सकत हो। अब मैं आभार प्रदर्शन पर जिन्हें हमार छत्तीसगढ़ स्वराज एक्सप्रेस के संपादक lalluram.com के संपादक मनोज सिंह बघेल जी ला बुलाता हूँ। स्वराज एक्सप्रेस और lalluram.com के आयोजन हरेली में गोधन तिहार में पधारे हमर माई पहुना छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया बड़े भैया भूपेश बघेल जी, कृषि मंत्री रविन चौबे जी, नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी, सांसद छाया वर्मा, किरणमयी नायक जी, एजाज देवर जी, राजन तिवारी जी और गिरीश देवांगन जी और सुरेंद्र शर्मा जी, सभी जो अतिथि जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में पहुंचकर इसकी शोभा बढ़ाई, मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माई पहुना के बहुत बहुत धन्यवाद है। उखर संग में जत्का पहुना मनाए रही से सबके धन्यवाद है आभार है। भैया एक अलग ढंग के कार्यक्रम, एक बढ़िया कार्यक्रम, एक अनूठा कार्यक्रम, एक ऐसी योजना की शुरुआत आज ग्राम बैहार ले हुई से जिन्हें देश के एक मॉडल कहे जाही अवैया बेरा मा और
पंचायत के कुछ हवे बिहार के साथी मन मुखिया जी, मुखिया जी ले भेंट हमारे मुखिया जी ले। हमार मुखिया जिला ग्राम पंचायत के जन है सरपंच कुछ भेंट करना चाहते थे। जिला पंचायत कोती ले जन है बहुत सहयोग मिले हैं, जिला प्रशासन ले बहुत सहयोग मिले हैं, जनपद प्रशासन ले बहुत सहयोग मिले हैं, यहाँ के पंच सरपंच सब कोती ले सहयोग मिले हैं। एक अलग कार्यक्रम, एक सुघर कार्यक्रम नवा छत्तीसगढ़ गर्भो जी। जब हमार मेहनत सुघर होली, जब हमार कर्म बढ़िया होली, तो नवा छत्तीसगढ़ गढ़े ले कोनो रोक नहीं सके। और ये उभीन जिन है ओखरे रूप में जिन्हें देखे जा सके थे गोबर खरीदी ला, गोधन न्याय योजना ला, कि अतका सुघर सोच के संग एक बढ़िया योजना की शुरुआत हुए है।